हेलो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 5 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं। और क्या है इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर 5 है, ठीक है, L5 मैं लिख दे रहा हूँ। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी तक हमने ये सब देख लिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, हमने अभी लास्ट लेक्चर में समझा था रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। देखिए, जो रेजिस्टेंस है उसका कॉम्बिनेशन दो प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत मल्टीपल प्रकार है कॉम्बिनेशन करने के लिए, लेकिन मोटी मोटा आप मानिए कि दो प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला है होता है सीरीज, ठीक है, और दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, ठीक। सीरीज में अगर समझ लीजिए रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2, एक बैटरी से आपने ज्वाइन कर लिया, वी वोल्ट की बैटरी थी, रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस R2, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक। सिमिलरली अगर दो रेजिस्टेंस आपके पास है R1 एंड R2, अगर इस तरीके से आपने इसको पैरेलल ज्वाइन कर लिया तो दे आर कॉल्ड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, अब सीरीज में क्या होता है, ठीक है, ऊपर जा करके थोड़ा सा देखेंगे सीरीज में क्या है। यहाँ पे देखिए, दो रेजिस्टेंस था सीरीज में आपने ज्वाइन कर दिया। अब बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 और V2 हो जाएगा, V1 एंड V2 पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एंड दैट V इज इक्वल टू V1 एंड V2। हम कह कह सकते हैं कि V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। बट पैरेलल में देखते हैं वोल्टेज का क्या फ़र्क आता है, पैरेलल में देखते हैं। तो देखिए, सिंस यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल पे R1 जो है बैटरी के दोनों टर्मिनल पे ज्वाइंट है, सिमिलरली R2 भी बैटरी के दोनों टर्मिनल से ज्वाइंट है, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकता है। आप जिस तरीके से आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को बैठा दिए उस तरीके से ये हो सकता है R1, ये R2, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला एंड इस टर्मिनल से ज्वाइंट है और सिमिलरली ये एंड जो है वो इस टर्मिनल से ज्वाइंट है। इसका भी सेम है, ये एंड इस टर्मिनल से ज्वाइंट है और ये एंड बैटरी के इस टर्मिनल से ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज सेम, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ऑल द रजिस्टर इज सेम, यानी कि R1 के अक्रॉस भी वी वोल्ट का बैटरी है और R2 के अक्रॉस भी वी वोल्ट का बैटरी है, R1 के अक्रॉस भी वी वोल्ट का बैटरी है और R2 के अक्रॉस भी वी वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। और नीचे आते हैं, देखते हैं कि उस पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, करंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर सीरीज की बात किया जाए, एक मिनट, सीरीज की बात किया जाए तो करंट जो है, करंट इज सेम, सेम करंट बहती है, ठीक है। ये आपका ये सर्किट था R1, ये R2, ठीक है, R1 R2, जो करंट यहाँ से निकलेगा I करंट यहाँ से निकलेगा, सेम I करंट R1 में भी बहेगा, I करंट R1 में भी बहेगा और सेम I करंट आपका R2 में भी बहेगा। बट पैरेलल में क्या होगा, ये R1 था, ये R2 था, ठीक है, वोल्टेज तो सेम है बट करंट का यहाँ पे डिवीजन होगा। समझ लीजिए I करंट यहाँ से निकला तो इस विंग में जाएगा I1 और इस विंग में जाएगा आपका I2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि I टोटल वो पूरा डिवीजन होगा I1 प्लस I2, ठीक है। और यहाँ पे
करंट इज सेम, आई इज सेम इन ऑल रजिस्टर, इन ऑल रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ से ये एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपको मिल गई होगी, ठीक है, कि एक्चुअली करंट या वोल्टेज में क्या डिफरेंस आता है अगर हम रजिस्टर को सीरीज में डालते हैं या पैरेलल डालते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट ये करने वाले हैं कि हम लोग अब देखेंगे कि पहले सीरीज़ को और थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं सीरीज़ के बारे में, फिर पैरेलल के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक। ये देख लीजिए आपका R1 और R2, वोल्टेज भी ये R1 है ये R2 है, दो वो था, ये R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि V यहाँ से यहाँ तक V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके ओके, समझ लो। हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाते हैं, मान लेते हैं R1 और R2 को हम Req से रिप्लेस कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट आया वो I आया, ठीक है, ओके, ये और यहाँ से भी करंट I निकला, ठीक है। तो सिंस इसको यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, ठीक है। अब V1 के अक्रॉस क्या होगा, करंट इसमें I पास किया है R1 के अक्रॉस, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसी को मैं मान रहा हूँ ना कि ये दोनों मिल करके एक R इक्विवेलेंट बना रहे हैं, आर इक्विवेलेंट टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है जो कि सेम तरीके से बिहेव करेगा जैसा कि ये सर्किट बिहेव कर रही है, ठीक। ओके, नीचे आते हैं। तो दैट मीन्स आई विल कैंसिल आउट आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। सिमिलरली अगर अगर लेट अस से कि थ्री कॉम्बिनेशन होता, लेट अस से कि तीन रजिस्टर मेरा सीरीज में लगा होता, एक दो और ये तीन, समझ लो तीन रजिस्टर ऐसे मेरा सीरीज में लगा होता आर वन आर टू आर थ्री, तो इस केस में आर इक्विवेलेंट हो जाता आपका आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये आपका क्या हो जाता आर इक्विवेलेंट हो जाता, ठीक है। तो आई थिंक आपको इक्विवेलेंट रजिस्टर आपको निकालना आ गया होगा। इसके बेसिस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये कोई सर्किट था एक दो तीन, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ज्वाइंट था, ठीक है। मान लो ये आपका 24 वोल्ट का बैटरी है, ठीक, ये आपका तीन है, तीन ओम का रजिस्टर है, ये चार ओम का रजिस्टर है और ये है आपका पाँच ओम का रजिस्टर, ठीक। तो हमसे पहले पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना इक्विवेलेंट रजिस्टर इसका होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिंस ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है, ठीक है, देखने का क्या तरीका है, देखिए सेम करंट जो इसमें फ्लो करेगी, सेम करंट जो बैटरी से निकल रही है वो इसमें फ्लो करेगी, वही करंट आपका इसमें फ्लो करेगी, वही करंट आपका इसमें फ्लो करेगी। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दैट मीन्स थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू 12 ओम का आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए इसी में दूसरा सवाल होता, लेट अस से क्वेश्चन आप देख करिए, इसी में समझ लीजिए आपका दूसरा सवाल होता कि पार्ट बी होता, क्या होता, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस थ्री हम ऐसे लिख देते हैं V3, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू
ओके ओके, इसके पहले हम एक दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है? वो सवाल क्या होगा, एक मिनट, इस पे भी हम आएंगे, ठीक है? लेकिन उसके पहले हम क्या कर देते हैं, एक दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल आपका, पहले ये सवाल कर देते हैं, फिर हम लोग दूसरे सवाल पे चले। ओके, ये है फाइंड करंट इन द सर्किट, आई करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट बह रहा है, अगर समझ लीजिए ये सवाल होता तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है? करंट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट कर दिया, ठीक है? वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट, तो दैट मीन्स वोल्टेज आपका 24 था, आई इंटू आर इक्वलेंट जो आपका आया 12, 12 ओम का आया, ठीक है? ओम लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 12 लिखिए, 12 ये कट जाता है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा, करंट, करंट जो सर्किट में बह रहा है वो हमें दिख गया 2 एम्पियर, ठीक है? सिमिलरली सेम क्वेश्चन के एक्सटेंशन में अगर तीसरा होता, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 3, वोल्टेज अक्रॉस 3, वोल्टेज अक्रॉस 4 एंड वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, ठीक है? मैं आपके उसके लिए दिखा देता हूँ, 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और ये 24 वोल्ट का था, और हमने देख लिया है कि 2 एम्पियर की करंट बह रही है सर्किट से। तो V1 ये इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3 ऐसे लिख दे रहे हैं, V3 V4 ये एक रिप्रेजेंटेशन है, आप उसको समझिएगा, V3। ओके, वोल्टेज अक्रॉस 3 हमें निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस 3 दैट विल बी इक्वल टू, सिंस इसके इसके अक्रॉस करंट कितना बह रहा है, 2 ओम का करंट बह रहा है, और पोटेंशियल, ठीक है, और कितने ओम का रेजिस्टर है, 3 ओम का आपका रेजिस्टर है, ठीक है? तो करंट फ्लोइंग इनटू रेजिस्टर, रेजिस्टर आपका 3 वोल्ट का है, ठीक है? तो करंट फ्लोइंग आपका 2 इंटू रजिस्टर आपका 3 वोल्ट का है, 2 इंटू 3 बराबर 6 वोल्ट आपका इसके अक्रॉस बहेगा, ठीक है? वोल्टेज अक्रॉस 4 आप देखते हैं, तो करंट सेम करंट ही फ्लो कर रहा है इनटू रजिस्टर, करंट आपका तो 2 ही ओम फ्लो कर रहा है, और 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, रजिस्टर 4 तो 8 वोल्ट का, और V5 सिमिलरली क्या आ जाएगा, V5 आपका 2 इंटू 5 बराबर 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है? तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या V टोटल इज इक्वल टू V3 प्लस V4 प्लस V5 आया है। तो देखते हैं क्या है, V3 है आपका 6, V4 है आपका 8 और ये है आपका 10, यानी कि ये आपका आ जाता है 24 वोल्ट, और हम ये भी जानते हैं वी टोटल कितना है, 24 वोल्ट। हेंस हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वही वोल्टेज इसमें डिवीजन हो जाता है, ठीक है? तो बेसिक्स तो हमने सीरीज का यहीं पे ख़त्म कर लिया है, ठीक है? और जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स है आप लोग क्लास आते रहिए, हम लोग प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस करेंगे। अब हम लोग करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल में सबसे पहले उसको भी थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करें क्योंकि हमने पहले देख रखा है, ठीक है? थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अब जाते हैं। पहले तो देखिए कि रेजिस्टेंस कैसा दिखता है पैरेलल में, ये R1, ये आपका R2, R1 एंड दिस इज R2, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी, ठीक है? तो हाँ, तो इसके अक्रॉस क्या क्या पहले प्रॉपर्टीज क्या है, वोल्टेज आपका सेम रहता है, वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा, एंड करंट जो आपका करंट है, करंट का डिवीजन होगा, ठीक है? एंड आई टोटल इज इक्वल टू करंट टोटल, आई टोटल इज इक्वल टू जो भी है, I1 प्लस I2 जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, उस हिसाब से इतना चलता है। ये हमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ेंगे, अब समझ लीजिए लेट अस से इस टाइप का एक कॉम्बिनेशन आया है, ठीक? तो दैट मीन्स आई टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है? तो आते हैं और नीचे थोड़ा सा और देखते हैं, देखिए, ओके, फिर से ये देखें, R1 और ये रहा आपका R2, R1 रहा और ये आपका R2 रहा V, इसको हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं इसके,
एक मिनट कॉल आ गई जरा। अरे सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो लेट अस से हम लोग रिस्टार्ट करते हैं। पैरेलल का हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे आर वन एंड आर टू, ठीक है, उसका आर इक्विवेलेंट हम लोग बनाते हैं। आर इक्विवेलेंट ये वी है, ठीक है। व्हाट वी नो दैट करंट जो यहाँ से निकलेगा आई, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू आई वन एंड आई टू, ठीक है। तो आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई, दिस वी नो, ठीक है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V1 अक्रॉस R जो वोल्टेज है वो दैट इज नॉट V1, दैट विल बी V, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। वी कैन राइट लाइक दिस, V, V and V can cancel out. 1 upon R1 plus 1 upon R2 is equal to 1 upon R equivalent. Okay. This is the formula for R equivalent if अगर दो रजिस्टर पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, अगर तीन रजिस्टर हो जाते हैं, ठीक है, लेट अस से कि सर्किट कुछ इस टाइप का होता, इस तरीके का लेट अस से कोई सर्किट होता आर वन आर टू एंड आर थ्री, तो तीन तीन रजिस्टर जो है वो पैरेलल में कंबाइंड है, तो इसका क्या हो जाता है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है, ये हमारा बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक देखेंगे और लेट अस से कि ये 10 ओम का है और ये 5 ओम का है, तो इसका हमें 10 5 अच्छा नहीं बनेगा, लेट अस से 10 ओके, लेट अस से 10 आर इक्विवेलेंट हमें निकालना, आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, इस सर्किट का हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस वन अपॉन फाइव, दैट विल गिव दैट विल गिव टेन, यहाँ पे वन प्लस टू दैट इज वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट सॉरी वन अपॉन आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा थ्री अपॉन टेन, और आर इक्विवेलेंट यहाँ से आपका आ जाएगा टेन अपॉन थ्री, दैट विल बी 3.33 ओम, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे, थोड़ा सा टिकी और थोड़ा सा गुड, ठीक है, लेट अस से कि एक बैटरी ये है सॉरी एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 ओम का और यहाँ पे हम लिखेंगे 8 ओम का, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस से कि 4 ओम का लिखते हैं, ठीक, और इसको हम दे देंगे लेट अस से 16 वोल्ट की बैटरी दे देते हैं, 16 वोल्ट की बैटरी दे दिया, ठीक। क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, सबसे पहले है फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन फोर, दैट विल बी एट वन प्लस टू, ओके वन प्लस टू वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एट अपॉन थ्री, ये आपका आ गया, ठीक है। सेकेंड करेंट इन द सर्किट हमें बताना है, टोटल करेंट इन द सर्किट, टोटल करंट आप ऐसे निकाल सकते हो कि V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V है आपका 16 और R इक्विवेलेंट है आपका 8 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 16 इंटू 3 बाई 8, दैट विल बी ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 वोल्ट का आप सॉरी 6 ओम का आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा, सॉरी 6 एम्पियर का आपका टोटल करंट आ जाएगा, टोटल करंट आपका जो बनेगा सर्किट में वो कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर का टोटल करंट आएगा, ठीक है। थर्ड समझ लीजिए, हमने पूछा है ये आपका था 8 था और ऊपर 4 था और 16 था,
16, 8 और ये, ठीक है, करंट अक्रॉस 8, थर्ड क्या है, करंट अक्रॉस 8 ओम, 8 ओम के अक्रॉस करंट, दैट विल बी इसके अक्रॉस 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम दैट विल बी 16 वोल्ट है, ठीक है, एंड ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी इज इक्वल टू आई इन टू आर जानते हैं, ठीक, तो 16 वोल्ट एंड करंट अक्रॉस 8 इंटू 8, ठीक है, ये करंट अक्रॉस 8 है तो ये 8 और ये कट गया, तो करंट अक्रॉस 8 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे करंट अक्रॉस सेम लॉजिक से V इज इक्वल टू करंट अक्रॉस 4 इंटू आर, तो V अक्रॉस 4 कितना है, V अक्रॉस 4 है आपका 16 वोल्ट, दैट विल बी करंट अक्रॉस 4, करंट अक्रॉस 4 है आपका, हमें एग्जैक्टली वही निकाल रहा है, इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो करंट अक्रॉस 4, ठीक है, दैट विल बी, ये I इंटू 4 नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है, समझ लो 4 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर इसमें, 4 एम्पियर इसमें, ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लेक्चर क्लास में लेते रहेंगे, ठीक है, आप लोग आइए लेक्चर क्लास को अच्छे से, ये सब ये कुछ टाइप्स के हम लोग मटेरियल इसलिए दे रहे हैं ताकि क्लास में आने से पहले आप एक बार इस मटेरियल को देख लीजिए और क्लास से जाने के बाद भी एग्जैक्टली आप देख लीजिए और जो भी आपके बेसिक डाउट है वो आप इसे सॉल्व कीजिए और जो आपको और ज़्यादा डाउट आ रहा है फिर भी वो आप आइए क्लास में और क्लास में आते रहिए, हर दिन आपको हम लोग डाउट भी सॉल्व कराएंगे, धन्यवाद।